चलिए इसको चेंज करते हैं बच्चों, हम लोग 25 मीटर पर सेकंड और इसको चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए हम सिंपली गुणा करने वाले हैं बच्चों, 25 इंटू 18 बटे 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर्स। बच्चों ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सापेक्ष चाल के बारे में। देखिए सापेक्ष चाल होती क्या है? सापेक्ष चाल बच्चों दो तरह की सापेक्ष चाल होती हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों यहाँ से, एक सापेक्ष चाल होती है समान दिशा में, एक सापेक्ष चाल होती है विपरीत दिशा में। मैं लिख रहा हूँ बच्चों, एक चाल होती है समान दिशा में, यानी कि समान दिशा में सापेक्ष चाल, एक होती है स्टूडेंट्स विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। ओके स्टूडेंट्स, एक होती है समान दिशा में सापेक्ष चाल, एक होती है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। अब हम लोग इनके बारे में समझेंगे कि समान दिशा की सापेक्ष चाल क्या होती है और विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल क्या होती है। देखिए समान दिशा में सापेक्ष चाल हम लोग निकालते कैसे हैं समझेंगे आप लोग बच्चों। जब कोई दो गतिमान वाहन एक ही दिशा में आगे जा रहे होते हैं और बच्चों दोनों ही वाहनों की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, चाहे वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो और चाहे वो मीटर पर सेकंड में हो। तो देखिए जिसकी गति ज्यादा होती है वह वाहन हमेशा कम गति वाले वाहन को पार कर जाता है और पार करते वक्त जो उसकी चाल होती है वो हमेशा समान दिशा की सापेक्ष चाल होती है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एक वाहन है और उसकी स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये चाल मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। और एक वाहन इससे आगे जा रहा है, उसकी स्पीड है बच्चों y किलोमीटर पर आवर। और बच्चों यहां पर x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो है वो बड़ा है किससे, y से। तो देखिए जब x बड़ा है किससे, y से, तो ये x स्पीड वाला जो वाहन है वो y स्पीड वाले वाहन को पार कर जाएगा और पार करते वक्त जो बच्चों इसकी स्पीड होगी वही स्पीड कहलाएगी समान दिशा में सापेक्ष चाल। और बच्चों समान दिशा में सापेक्ष चाल को हम लोग निकालते कैसे हैं देखिए सीखते हैं बच्चों। हम लोग ज्यादा स्पीड वाले वाहन की गति में से कम गति वाले वाहन की चाल को घटा देते हैं। देखिए कैसे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो समान दिशा में सापेक्ष चाल बच्चों क्या हो गई आपकी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आप लोग कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर इस वाहन की स्पीड में मान लेता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इस वाहन की स्पीड मान लेता हूँ बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 माइनस 40 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलिए स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समान दिशा की सापेक्ष चाल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए सीखने वाले हैं विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल। चलिए देखिए विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल हम लोग कैसे निकालते हैं। विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल निकालने के लिए बच्चों देखिए यहां पर एक कंडीशन है कि एक वाहन की गति दूसरे वाहन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बच्चों यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर बच्चों दोनों ही वाहनों की चाल बराबर भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। देखिए ध्यान देंगे आप लोग सभी, सपोज करिए एक वाहन इधर जा रहा है, उसकी स्पीड बच्चों एक्स किलोमीटर पर आ रहा है, एक दूसरा वाहन एक अलग गति से या फिर बराबर गति से दूसरी ओर से आ रहा है, यानी कि अपोजिट साइड से आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है। तो देखिए ये दोनों वाहन अपने बीच की डिस्टेंस यानी कि अपने बीच की दूरी या फिर अपने दोनों को या फिर दोनों को या आपस में पार करते हैं, तो देखिए जब उनकी चाल क्या कहलाएगी, वही चाल कहलाती है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। देखिए निकालते कैसे हैं बच्चों, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल निकालते वक्त हम लोग दोनों की चालों को आपस में ऐड करते हैं, किसमें, विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल में। इस बात को एक बार और समझेंगे बच्चों आप लोग, जब भी आप लोग विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल निकाल रहे होते हैं तो दोनों वाहनों की गति को आपस में ऐड कर दिया जाता है और वही चाल आपकी कहलाती है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, बच्चों यहां पर मैं दोनों ही चालों को जोड़ने वाला हूं, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और बच्चों यही कहलाएगी आपकी विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग सीखने वाले हैं औसत चाल के बारे में। देखिए औसत चाल कैसे निकाली जाती है, बच्चों आपको अलग अलग चाल दे देगा और पूछेगा कि भाई इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, व्यक्ति वाहन कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो देखिए
इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, 2x, 2xy अपॉन x प्लस y, लेकिन बच्चों वो लिमिटेड है, सिर्फ दो ही चालों में वो यूज कर सकते हैं आप लोग। लेकिन बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग औसत चाल का बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो से ज्यादा चाल हो, तीन चाल हो, चार चाल हो, या फिर उससे ज्यादा भी चाल हो सकती हैं, आप लोग बच्चों उस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, औसत चाल इज इक्वल टू होती है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है स्टूडेंट्स, औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला होता है औसत चाल इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया बच्चों, कहा गया कि भाई एक क्लर्क अपने कार्यालय के लिए अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और घर वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही। बच्चों ये क्वेश्चंस 2xy अपॉन x प्लस y वाले फॉर्मूले से बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, लेकिन बच्चों इससे आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं तीन चाल वाले, चार चाल वाले, जैसे कि मैं आपको कराने वाला हूं, वो नहीं हो पाएंगे बच्चों। तो इसलिए आप लोग उस चीज को सीखो ही मत, आप लोग बच्चों इस बेसिक फॉर्मूले को सीखे जो कि मैंने आपको बताया है कि औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे, पहले बच्चों इस क्वेश्चन की बेसिक बातों को समझेंगे हम लोग। देखिए ध्यान देंगे आप लोग सभी, सपोज करिए बच्चों ये उस क्लर्क का घर है और बच्चों ये कार्यालय, ये उस क्लर्क का बच्चों घर है और ये है बच्चों उसका कार्यालय। तो बच्चों जब घर से कार्यालय गया है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको तय किया है उसने कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और बच्चों जब वो अपने कार्यालय से वापस अपने घर पे आया है तो उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है, उसने उतनी ही डिस्टेंस तय करी है जितनी की वो तय करके अपने कार्यालय गया था। तो देखिए यहां से उसने उतनी ही डिस्टेंस तय करी है जितनी की उसने जाते वक्त तय की थी, और अब की बार उसने तय करी है बच्चों कितनी गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में बच्चों दूरी जो है वो क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है। देखिए कैसे, यहां से यहां तक की दूरी तय करी बच्चों जाते वक्त और यहां से यहां तक की दूरी तय करी है आते वक्त, तो बच्चों उसको कुछ समय भी लगा होगा तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, देखिए जब वो गया है तो जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है तो कोई तो डिस्टेंस होगी बच्चों जिसको तय करके वो घर से ऑफिस गया होगा, और जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया है तो बच्चों वापस से उसी डिस्टेंस को तय करके आया होगा। तो बच्चों ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, तो एक डिस्टेंस बच्चों ऐसी एज्यूम करिए आप लोग अपने माइंड में जो बच्चों 20 और 30 दोनों से ही इजिली कट जाए। तो देखिए आप लोग बच्चों, आप लोग ऐसी डिस्टेंस एज्यूम करिए, मानिए जो 20 और 30 दोनों से कट जाए। तो देखिए सबसे अच्छा वे ये है कि आप लोग 20 और 30 का LCM यानी कि लेस है ले लीजिए, वही एक सबसे छोटी संख्या होगी जो 20 और 30 दोनों से इजिली क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएंगे। देखिए हम लोग, आप सब जानते हैं बच्चों 20 और 30 का LCM कितना होता है, 60 होता है बच्चों, कितना होता है 60। तो बच्चों हम लोगों ने दूरी कितनी मान ली, 60 किलोमीटर, यानी कि घर से कार्यालय के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो हम लोगों ने कितनी मानी है बच्चों, 60 किलोमीटर की मान ली है। तो देखिए मैं इसको दिखा भी देता हूं बच्चों आपको, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी मान ली है, 60 किलोमीटर की मान ली है। तो इसका मतलब ये है कि वह क्लर्क जो है अपने घर से
कार्यालय जब गया है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है, और देखिए डिस्टेंस कितनी तय करी है उसने बच्चों, 60 किलोमीटर की। और जब कार्यालय से अपने घर पे वापस आया है तब भी तो उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, लेकिन अब की बार कितनी स्पीड से तय करी है बच्चों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। और बच्चों हमें यहाँ से क्या निकालना है, दूरी, समय निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, समय। दूरी तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चों एक बार 60 किलोमीटर की दूरी तय करके गया है, एक बार 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आया है, तो 60 और 60 कितना हो जाता है बच्चों, 120 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो कितनी हो गई आपकी, 120 किलोमीटर। अब जो बड़ी बात है वो है समय को निकालना। आप लोग सब जानते हो कि बच्चों चाल का, इस चाल समय दूरी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी सहायता से दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं, यदि आपको समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यदि दूरी निकालनी है बच्चों तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। फिलहाल हमें समय निकालना है बच्चों, तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए अभी फिलहाल हमें यहां से समय ही निकालने वाला, तो देखिए हम लोग समय कैसे निकालेंगे समझेंगे आप बच्चों। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी डिस्टेंस तय करी उसने, 60 किलोमीटर की, तो उसको कितना समय लगने वाला है ध्यान देंगे आप लोग बच्चों। आप लोग दूरी को ऊपर रखेंगे 60, और बच्चों चाल को रखेंगे नीचे, चाल कितनी उसकी जाते वक्त 20, तो 60 बटे 20 यानी कि 20 दिया 60, 3 घंटे का समय लगा बच्चों। तो देखिए ध्यान देंगे आप लोग, 20 दिया 60, तो जाते वक्त उसने कितना समय लिया है बच्चों, 3 घंटे का समय लिया है, और बच्चों जितनी दूरी तय करके घर से कार्यालय गया है उतनी दूरी तय करके, तो बच्चों घर से कार्यालय से वापस घर पे आया अपने, तो देखिए जब घर से कार्यालय से वापस घर पे आया है तो भी उसने कितनी दूरी तय करी है, 60 किलोमीटर की। तो अब की बार वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगा 60 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए कितना समय लगने वाला बच्चों। अब की बार हम लोग ऐसे ही मुंह जबानी कर सकते हैं क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको, अब की बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा, तो 60 बटे 30, 30 से हम लोग 60 को इजीली दो बार काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, 2 घंटे का समय आ जाएगा। यानी जाते वक्त उसको कितना समय लगा था, 3 घंटे का, और वापस आते वक्त कितना समय लगा था बच्चों, 2 घंटे का, तो उसने कुल यात्रा में कितना समय लिया बच्चों तय करने में, 5 घंटे का, और कुल यात्रा कितनी दूरी, कुल यात्रा कितनी दूरी की थी बच्चों, 120 किलोमीटर की, क्योंकि 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया, तो कुल कितनी दूरी तय करी उसने बच्चों, 120 किलोमीटर की, और कुल कितना समय लिया उसने बच्चों, 5 घंटे का समय लिया, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो कि हमें औसत चाल निकालनी है, और औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय। तो देखिए आप लोग सब जानते हो कि 5 से इजिली 24 टाइम्स कट जाएगा, यानी 24 बार कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा 24 किलोमीटर पर आवर, ये होगा बच्चों इस पूरी यात्रा की औसत चाल। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को इजिली समझ पाए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों तीन तरह की चाल है, यानी कि अलग अलग आपको तीन चाल दी गई हैं। देखिए कैसे, एक लड़का कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, उतनी ही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हम लोग करेंगे कैसे बच्चों, मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक बार फिर से समझेंगे आप लोग बच्चों। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है कि एक लड़का यहां से यहां तक की दूरी तय करता है, तो उसकी गति कितनी रहती है बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चों वो उतनी ही दूरी तय करता है कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो उतनी ही दूरी तय करता है बच्चों कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और ये तीनों दूरी बच्चों क्या है, आपस में बराबर है, साफ साफ मेंशन है, उतनी ही दूरी मेंशन है बच्चों यहाँ पे, तो ये तीनों ही दूरियां क्या है, आपस में बराबर है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही बच्चों। आप लोग खुद ही सोचिए, क्या आपको ये दूरी पता है कितनी दूरी है, नहीं पता है बच्चों, तो कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको बच्चों, क्योंकि आप लोग बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई दूरी ऐसी एज्यूम करिए जो बच्चों इस चाल से कट जाए, इस चाल से भी कट जाए, और इस चाल से भी इजिली डिवाइड हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या काम करने वाले हैं बच्चों, 10, 12 और 15, ये तीनों उस लड़के की अलग अलग चाल हैं, तो आप लोग बच्चों एक ऐसी दूरी मानिए ताकि वो दूरी इन तीनों से इजिली कट जाए। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्टली। देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम यानी कि लेस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर, तो हम लोग इस बात को यहां लिख भी देंगे बच्चों, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर,
क्योंकि तीनों ही बार बच्चों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर की जो दूरी है, इस दूरी को बच्चों लड़के ने एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय किया है, और उस लड़के ने एक बार इसी 60 किलोमीटर की दूरी को तय करा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक बार यही दूरी तय की गई है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो देखिए हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता है बच्चों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल, ओके। अब देखिए जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको समय कितना लगने वाला है बच्चों, हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, और 60 को डिवाइड क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रहा है बच्चों वो 60 किलोमीटर की, कितनी गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो हम लोग समय इजिली निकाल सकते हैं कैसे, 60 बटे 10, 10 से बच्चों हम लोग 60 को डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में उसको कितना समय लगा बच्चों, 6 घंटे का। दूसरी कंडीशन में उसको कितना समय लगने वाला, हम लोग 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 आ जाएगा बच्चों। तीसरी कंडीशन में हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो कितना समय लगने वाला है बच्चों, 4 घंटे का समय लगने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए उस लड़के ने कुल कितनी दूरी तय करी है, 60, 60 120 और 60 180 किलोमीटर की, और बच्चों उसको कुल कितना समय लगा है, 10, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि 15 घंटे का समय लगा है। तो 15 घंटे में उस लड़के ने कुल कितनी दूरी तय कर ली है बच्चों, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो आप लोग ध्यान देंगे, हमें तो औसत चाल निकालनी है, औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों कुल तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है। देखिए कुल दूरी कितनी हो गई आपकी, 180 किलोमीटर, और बच्चों समय हम लोग देख सकते हैं कुल कितना समय लगा बच्चों, 15 घंटे का। आप लोग सब जानते हो कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी जो कि हमारी कितनी है, 180 किलोमीटर, और कुल दूरी को तय करने में लगा समय कितना बच्चों, 15 घंटे। तो हम लोग यहाँ से औसत चाल इजिली निकाल पाएंगे, 15 से बच्चों ये इजिली कट जाएगा आपका, 15 × 15 = 15 से ये बच्चों 12 टाइम कट जाएगा, तो औसत चाल आपकी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है बच्चों। अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपके लिए 4 चालें दी गई हैं। आपकी बार आपके लिए कितनी चाल है बच्चों, इसमें 4 तरह की चाल है। देखिए कैसे, एक तो चाल है बच्चों आपकी 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन क्या है उसको भी समझेंगे हम लोग। देखिए एक वायुयान एक वर्गाकार टापू की भुजाओं के गिर्द उड़ रहा है बच्चों। वर्गाकार क्या होता है पहले उसको समझेंगे हम लोग। देखिए वर्गाकार एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए एक वायुयान एक वर्गाकार टापू की भुजाओं के गिर्द उड़ रहा है जिसकी भुजा 600 किलोमीटर है। भुजाओं के परितः वायुयान की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में वायुयान की औसत चाल क्या रही बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन को करने की। देखिए सबसे पहले बच्चों एक वर्गाकार टापू बना लेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए ये एक वर्गाकार टापू है बच्चों जिसकी भुजा कितनी है, 600 किलोमीटर। तो आप लोग सब जानते हो, और नहीं जानते हो तो बच्चों आपको बता दे रहा हूं कि वर्गाकार एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो देखिए एक वर्गाकार टापू है, इसकी एक भुजा 600 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 600 किलोमीटर ही होंगी। और बच्चों ध्यान देना, प्रत्येक भुजा के परितः उसकी चाल भी बच्चों उसने अलग अलग दी गई है। देखिए कैसे, एक भुजा पर कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी पर कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चों तीसरी पर कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चौथी भुजा है बच्चों वहां पर उसकी चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर बच्चों उसकी चाल मान लेता हूं बच्चों मैं कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर बच्चों 150 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है भाई। तो देखिए 60, 100, 120 और 150 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चालें हैं अलग अलग। तो बच्चों हमें डायरेक्टली देखिए यहाँ पर दूरी निकालने की तो जरूरत है ही नहीं बच्चों, क्योंकि दूरी तो ऑलरेडी उसने दे रखी है बच्चों। हमें यहाँ से बस सिर्फ समय निकालना और क्वेश्चन बच्चों इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप लोग सभी जानते हो कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ओके समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी में को तय करने में लगा समय, या कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, इसे भी आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ध्यान देंगे आप लोग बच्चों, जब वायुयान यहां से उड़ता है और यहां तक का सफर तय करता है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है बच्चों, 600 किलोमीटर, और उसकी चाल कितनी है बच्चों, 60 किलोमीटर। तो आप लोग यहां से समय निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। आप लोग देखिए 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और बच्चों उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर। तो हम लोग समय यहाँ पे निकाल सकते हैं, 60 से बच्चों जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 बार कटेगा, यानी कि 10 घंटे का समय लगने वाला है। तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में कितना समय लगा वायुयान को, 10 घंटे का समय लगा। जब वायुयान यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा तो बच्चों अब की बार उसे कितनी दूरी तय करनी है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कितनी गति से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहां पर उसको कितना समय लगने वाला है बच्चों, 600/100 यानी के 6 घंटे का समय लगने वाला है। और बच्चों अब वायुयान यहां पर आ चुका है, अब यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, 600 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर भी हम लोग समय निकाल सकते हैं, 600/ कितना, 120। तो बच्चों ये पूरा 5 बार कटेगा, यानी कि 5 घंटे का समय लगने वाला है बच्चों, ठीक है। और बच्चों देखिए आगे ध्यान देंगे आप लोग सभी, अब की बार फाइनली उसको यहां से यहां तक जाना है, तो उसकी यात्रा क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, और उसकी चाल कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको कितना समय लग जाएगा बच्चों, 600/ कितना, 150, यानी कि 4 घंटे का समय लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स उसको पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा है बच्चों, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, यानी कि कुल समय उसको लगा है बच्चों 25 घंटे का। तो उसने पूरी यात्रा में दूरी कितनी तय करी है बच्चों, 600 यहां से यहां तक, 600 यहां से यहां तक, 600 और 600 कितना, 1200 1200 और 600 1800 और 600 2400, यानी कि उसने कुल पूरी यात्रा जो तय की है वो 2400 किलोमीटर की दूरी तय करी है, और उसको पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा स्टूडेंट्स, 25 घंटे का समय लगा है। आप लोग जानते हो कि औसत चाल बराबर कितना होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय। तो देखिए उसने कुल कितनी दूरी तय करी है बच्चों, 2400 किलोमीटर, और कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगा स्टूडेंट्स को, 25 घंटे का समय लगा है बच्चों। तो आप लोग बच्चों 2400 को डिवाइड करेंगे किससे, 25 से, तो जब आप लोग इसको काटोगे तो बच्चों ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 96 टाइम्स, यानी कि 96 किलोमीटर पर आर, ये आपके क्वेश्चंस का यहां से आंसर होगा। यानी कि उस वायुयान की जो है औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान कितनी रही है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब की बार बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझ लेंगे बच्चों। कोई भी वाहन है वो 400 किलोमीटर की दूरी तो तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और बच्चों आगे भी इस तरह से दूरी तय करता है। तो मुझे पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बच्चों ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, देखिए कितना इजी क्वेश्चंस है। इसमें बच्चों आपको दूरी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, दूरी तो ऑटोमेटिक दी गई है बच्चों, बस आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, क्योंकि आपको चाल दी गई है और दूरी दी गई है, आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, समय। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है स्टूडेंट्स, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। देखिए हम लोग यहां से इजीली समय को इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो देखिए इजीली आप लोग निकाल सकते हैं 400/40 यानी कि 10 घंटे का समय, समय कितना आ गया बच्चों 10 घंटे का। इस तरह से बच्चों यहां पर भी 10 घंटे का समय होगा, यहां पर भी 10 घंटे का, यहां पर भी 10 घंटे का, और यहां पर भी 10 घंटे का। तो कुल दूरी देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी, जब आप लोग इसको जोड़ रहे होगी बच्चों 3000 किलोमीटर हो जाएगी,
और बच्चों कुल दूरी को तय करने में समय कितना लगा है बच्चों, 50 घंटे का समय लगा। तो हम लोग इजीली औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय। यानी कि कुल दूरी कितनी हो गई बच्चों आपकी 3000 किलोमीटर, और कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 50 घंटे का। तो जीरो से जीरो कट जाएगा बच्चों, 5 इसको आप लोग काटोगे, 5×30 यानी कि 0 यानी कि 60 किलोमीटर पर आ। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बच्चों औसत चाल को इजीली समझ पाए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।